हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं वसीम। दोस्तों, आज मेरे पास एक सेट है वीवो का। और ये वीवो का सेट में दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये देखिए चार्ज निकल रहा है। ये देखिए मैं चार्जिंग में लगा रहा हूँ, फिर भी ये देखिए चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मॉडल नंबर है Y66, वीवो का 1609 मॉडल है और Y66 मॉडल है दोस्तों। और चार्जिंग का प्रॉब्लम है इसमें, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे ठीक करते हैं। बिल्कुल चार्ज नहीं हो रहा, तो ये कहाँ से प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे ठीक करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सेट को खोल दिया है। तो सबसे पहले जो चीज़ है आपको ये करना है कि आपका इसके नीचे का प्लेट जो है उसको खोलना है। इसको निकाल लिया और निकालने के बाद देखिए यहाँ पर भी आप चेक नहीं कर सकते हैं। ये जो है इसमें ये लगा हुआ है, गम लगा हुआ है। तो आपको इसको निकालना है। अब इस तरह करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि मेरा रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये रीडिंग जो है परफेक्ट आ रहा है, 5.2 आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो जैक है वो ओके है। ठीक है, तो जहाँ जैक ओके है, अब या तो फिर ये जो पत्ता यहाँ से जा रहा है इसमें प्रॉब्लम होगा, या तो फिर ये जो आईसी यहाँ से जो चार्जिंग आईसी है वहाँ से प्रॉब्लम होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको इस बोर्ड को खोलना पड़ेगा। तो ये बैटरी भी मैंने निकाल दिए। और निकालने के बाद जो है दोस्तों, आपको सबसे पहले जो है ये जो पॉइंट है दोस्तों, देखिए ये वाला जो पॉइंट है, दो नंबर वाला, इसमें आपको रीडिंग लेना है मीटर को बजा रेंज पे रख के। ठीक है, तो मीटर को बजा रेंज पे रखते हैं। यहाँ पे आपको चेक करना है कि मेरा रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम बोर्ड में चेक कर लेते हैं। तो बोर्ड में मेरा देखिए 0.63 रीडिंग आ रहा है, मतलब ये जो है रीडिंग मेरा यहाँ सही आ रहा है, मतलब बोर्ड से मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जो भी दिक्कत होगा इस वायर में होगा, या तो फिर इधर से जो कंपोनेंट है वायर में होगा, या तो फिर ये जो कंपोनेंट है इसमें प्रॉब्लम होगा। तो मुझे कंपोनेंट तो ठीक ही लग रहा है, कंपोनेंट ठीक ही लग रहा है। तो आपको करना ही होगा, हम एक बार और इस पत्ते को लगा के, ठीक है, इस पत्ते को लगा के हम यहाँ रीडिंग लेंगे दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे चार्जिंग आईसी से होकर के इस पॉइंट में होकर के, ठीक है, इस चार्जिंग आईसी से होते हुए ये पॉइंट में होते हुए ये जो है ना वायर यहाँ से होते हुए इस वाले आईसी में जाता है। ठीक है, मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो आईसी है यहाँ पे प्लस का जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिल्टर होकर के ये जो पॉजिटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है, ये वाला जो लाइन मेरा जो आ रहा है पॉजिटिव है, और ये वाला लाइन मेरा नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ तक आता है। तो हम ये देखना है कि जो चार्जिंग आईसी जो यहाँ चार्जिंग आईसी से जो यहाँ से करंट आ रहा है वो यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो रीडिंग यहाँ पर दे रहा है दोस्तों, वही रीडिंग मेरा इस वाले पॉइंट पे भी देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे
हम यहाँ पे स्क्रैच करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे स्क्रैच कर लिया, अब यहाँ पे रीडिंग लेंगे दोस्तों कि यहाँ पे मेरा रीडिंग आ रहा है कि नहीं इस पत्ते को लगा के, ठीक है दोस्तों। कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। और यही यहाँ पे देखिए रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये जो कनेक्शन मेरा कहीं पे बीच से टूटा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ से उठा के यहाँ एक जम्पर लगा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार जम्पर लगा के देखते हैं कि काम मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैंने जंपर लगा लिया दोस्तों, और जंपर लगा के अब हम यहाँ पर रीडिंग लेंगे कि देखते हैं यहाँ पर मेरा रीडिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी 63 दिखा रहा है, और यहाँ पर भी मेरा ये देखिए 63 दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरा काम बन जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम पत्ते को लगाएंगे, पत्ते को लगाएंगे और हम लगा के देखेंगे कि मेरा चार्जिंग अब ले रहा है या नहीं ले रहा है। हम चार्ज, तो ये देखिए दोस्तों अब ये चार्जिंग लेने लगा। मैं इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अब जो है, ये देखिए अब जो है चार्जिंग लेने लगा है दोस्तों। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ से कैसे जम्पर लगाया है। ये देखिए दोस्तों, एक साइड मैंने यहाँ पे जम्पर लगाया है, और एक साइड मैंने यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो पॉइंट मेरा पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है, और ये वाला मेरा ग्राउंड है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला यहाँ तक सप्लाई मेरा नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने स्क्रैच करके, ये देखिए ये आईसी के पास मैंने स्क्रैच करके ये जम्पर लगाया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।